देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की 14 सीटों के लिए प्रचार प्रसार शनिवार शाम थम जाएगा। ये चरण काफी अहम है क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ लखनऊ पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए भी 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया कि पांचवें चरण के इन सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए 144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शनिवार शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लग जाएगा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता सीपी राय, अभय दुबे, सुचि विश्वास भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि 400 पार की जरूरत उनको नया संविधान लाने के लिए पड़ी है। सन 1950 से इन्होंने भारतीय संविधान को स्वीकारा नहीं है। साथ ही दिग्विजय सिंह हर तरफ से देश के विकास में कांग्रेस के योगदान दिया। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। किसानों को लगभग 20 से 25 क्विंटल अनाज खरीदना पड़ेगा, तब एक बोनस होना है। यानी कि किसान गरीब से गरीब होता जा रहा है और बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोंडा संसदीय क्षेत्र के उतरौला के इटावा गांव में जनसभा की। सपा और कांग्रेस पर कड़ा प्रहार भी किया, वहीं भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है, रामलला विराजमान हुए हैं। राम मंदिर आंदोलन की रणनीति बलरामपुर जनपद में ही बनी थी, इसलिए रामलला पर सबसे ज्यादा अधिकार आपका ही है। क्या सपा यह काम कर पाती? जो यह काम हो पाया है यह मोदी जी का नेतृत्व था। जनता जनार्दन के दम से ही असंभव काम भी संभव हो पाया है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि पहले मैं देवीपाटन जाता था तो गोंडा से 3 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। कौशाम्बी के गढ़वा गांव में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा